एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल में साइंस फिजिक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं अपेरेंट वेट। अच्छा, मेरा अपना जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है अपेरेंट वेट इनसाइड अ लिफ्ट। यानी अगर आप लिफ्ट के अंदर किसी वेइंग मशीन में खड़े हो तो लिफ्ट के मोशन के अकॉर्डिंग आपका वेट कैसे वेरी करेगा, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि हम ये जान लें कि आखिर अपेरेंट वेट होता क्या है। अपेरेंट बेसिकली क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये कोई एक मास है, एम मास है, ठीक है। अब अगर ये एम मास है तो एम मास क्या होगा, ये एम मास है। अब ग्रेविटी क्या इसको नीचे खींचेगी, तो एम मास को अगर ग्रेविटी जी एक्सीलेशन से नीचे खींचती है तो एम इंटू जी, ये जो नीचे की तरफ है एम जी, इसको कहा जाता है ट्रू वेट या केवल वेट। अब ये अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट कैसे आया, अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट ऐसे आता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लूं कि ये मेरे पास एक वेइंग मशीन है, मान लेते हैं वो फिजिक्स में सब कुछ होता है लेट करो, तो ऐसा मान लो मेरे हाथ में ये जो ये वेइंग मशीन है और इस पर मैंने एक मास को रख दिया। अच्छा, जब मास को रख दिया तो अब क्या होगा, अब ये मास इस वेइंग मशीन को कहां दबाएगा, नीचे की तरफ। क्यों दबाएगा, क्योंकि इसका वेट कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लगेगा। अच्छा, जब ये मास इस वेइंग मशीन को नीचे की तरफ दबाएगा तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग यानी एक्शन और रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब ये मास इस वेइंग मशीन को नीचे दबाएगा तो वेइंग मशीन क्या करेगी, इस पर फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ। तो ये जो ऊपर की तरफ फोर्स होता है ना, जिसको कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन, बेसिकली ये नॉर्मल रिएक्शन ही इसका अपेरेंट वेट के बराबर होता है। इसको टेक्निकली मैं आपको समझाता हूं। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये मान लेते हैं कोई एक मास मैंने मान लिया और ये है वेइंग मशीन, ठीक है। अब इस कंडीशन में सबसे पहले जैसी वेइंग मशीन पर रखा जाएगा तो वेइंग मशीन पर रखते ही इस मास का वेट कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एमजी, जो वेट कहलाता है। अच्छा, जब ये मास इस वेइंग मशीन को कहाँ दबा रहा है, नीचे की तरफ, तो तुरंत इस पर न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जैसी एक्शन लगा, एक्शन के जस्ट अपोजिट क्या लगने लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन एन आ गया। तो ये जो एन आया जिसका नाम क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, बेसिकली यही नॉर्मल रिएक्शन अपेरेंट वेट के बराबर होता है। अब ये बात है, ये हम अभी सीखेंगे कि जो एन है ये एमजी के बराबर भी हो सकता है, किसी केस में ये एमजी से बड़ा भी हो सकता है, ये एमजी से छोटा भी हो सकता है, और इवन ये कई बार जीरो भी हो सकता है। इन सारे केसेस को हम अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं अपेरेंट वेट इनसाइड लिफ्ट। अच्छा, इनसाइड लिफ्ट तो मेरे सामने एक ब्लॉक डायग्राम है, ये मान लेते हैं मेरे पास एक लिफ्ट है, ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन है और वेइंग मशीन के ऊपर एक पर्सन है, कोई पर्सन मान लेते हैं। अब इस कंडीशन में इस पर्सन पर देखो, जैसा अभी मैंने आपको बताया था इसका वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये इस वेइंग मशीन को नीचे की तरफ दबाएगा, और क्योंकि ये वेइंग मशीन को नीचे दबाएगा तो वेइंग मशीन इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी ऊपर की तरफ। अब इस लिफ्ट के डिफरेंट कंडीशंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं केस वन, जब लिफ्ट स्टेशनरी है, लिफ्ट इज एट रेस्ट। अच्छा, अगर मान लो लिफ्ट रेस्ट पर है, अगर लिफ्ट रेस्ट पर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, लिफ्ट रेस्ट पर है तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, F equals to ma क्या हो गया भाई, ये हो गया न्यूटन का सेकंड लॉ। अच्छा, नेट फोर्स की बात करें, अब दोनों फोर्स देखो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो नेट निकालने के लिए इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये n माइनस एम जी, आप इसको mg माइनस n भी लिख सकते थे। अच्छा, क्योंकि ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर है इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया। अच्छा, एक्सीलरेशन जीरो हो गया यानी n माइनस mg इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, यानी n इक्वल्स टू कितना आ गया, mg आ गया। और n इक्वल्स टू mg आने का मतलब है कि अगर लिफ्ट रेस्ट कंडीशन में है तो लिफ्ट रेस्ट कंडीशन में अगर होगी तो उसका जो अपेरेंट वेट है, n क्या है यहां पर, अपेरेंट वेट, तो ये अपेरेंट जो वेट है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा ट्रू वेट, पहली कंडीशन। अच्छा, केस वन के साथ ही अगर मैं बोलूं केस टू, इसमें केस और हम जोड़ सकते हैं केस वन में भी, कि अगर मैं कहता भाई लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अब ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर जो एक केस टू है
ये केस वन और ये केस टू ये ऑलमोस्ट सेम नेचर के हैं। देखिए क्योंकि लिफ्ट रेस्ट पर है, लिफ्ट रेस्ट पर है इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो होगा, और अगर वो कहता है लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब भी है कि एक्सीलरेशन जीरो होगा, और अगर एक्सीलरेशन जीरो तो सेम कंडीशन आ जाएगी, यानी इसमें भी एन इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, एम जी के बराबर आ जाएगा। यानी पहला केस ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारी लिफ्ट रुकी हुई है या फिर एक कांस्टेंट स्पीड से ऊपर मूव कर रही है या नीचे मूव कर रही है, दोनों ही कंडीशन में जो इसका एपरेंट वेट होता है वो ट्रू वेट के बराबर होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके डिफरेंट केसेस पर। अब मैं केस थ्री की अगर बात करूं, अभी तक मैंने बोला था कि लिफ्ट या तो रुकी हुई है या फिर क्या होगा कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। अच्छा, अगर मैं आप ये कंडीशन मान लूं, केस थ्री बोल देते हैं, केस थ्री की लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, अभी लिफ्ट ऊपर जा रही है विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए। अब ये मान लेते हैं लिफ्ट जो थी ये क्या कर रही है, देखो ये लिफ्ट, ये वेइंग मशीन आपको हटा दे रहा हूं, मैं पहले बता चुका हूं, मान लेते हैं ये लिफ्ट क्या होगी, ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है। अच्छा ठीक है, अब अगर ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगी तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। अच्छा, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए का मतलब हो जाएगा एन माइनस एम जी, ये तो नेट फोर्स हो गया। देखो माइनस क्यों किया, इस बॉडी पर इस पर्सन पर दो फोर्स हो गया, क्या हो गया, एक तो हो गया एम जी नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। अब क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इन दोनों में से बड़ा किसको मानेंगे, एन, भाई जो फोर्स बड़ा होगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, भाई ऐसा मानो दोनों में लड़ाई हो गई एन में और एम जी में, और फाइनली बॉडी मूव कहां कर रही है, ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा ताकतवर था, तो नेट फोर्स कैसे निकाला मैंने, एन में से एम जी माइनस कर दिया और ये आ जाएगा सीधे एम ए। तो एन इक्वल्स टू कितना आ गया, एम जी को आप इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा एम जी प्लस एम ए, यानी एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा एम जी प्लस ए। अब देखिए इस बार रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट है, रिजल्ट कैसा आ गया कि अगर मान लो कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो उसमें जो पर्सन वेइंग मशीन के ऊपर है उसका वेट ट्रू वेट से ज्यादा फील होगा, क्योंकि ट्रू वेट तो एम जी था, और वेइंग मशीन क्या शो करेगी, वेइंग मशीन शो करेगी कि उसका वेट कितना है एम जी प्लस ए, यानी एक्चुअल वेट से ज्यादा। तो ये कंडीशन कब आ गई कि अगर कोई लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाती है तो उस कंडीशन में जो एपरेंट वेट होगा वो होगा एम प्लस ए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ये तो अच्छा ये कौन सी कंडीशन थर्ड हो गई थी अपने पास, अब आते हैं केस फोर पर। केस फोर देख लो, अभी लिफ्ट को कहां मूव करा देते हैं, अभी लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही थी, बस एक वर्ड इसमें से चेंज कर दो, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। अच्छा फिर वही बात, न्यूटन का सेकंड लॉ एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, लेकिन इस बार एक्सेलरेशन ऊपर ना होकर कहां हो गया, इस बार एक्सेलरेशन ऊपर ना होकर है नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ इसका मतलब फिर इन दोनों में लड़ाई हुई, लेकिन इस बार कौन किसको कहां ले गया, इसको नीचे की तरफ ले गया, यानी इन दोनों में इस बार कौन जीत रहा है, इस बार एम जी डोमिनेटिंग हो गया। तो इन दोनों में जब नेट निकालेंगे तो क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है तो एम जी को बड़ा माना जाएगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा एम जी माइनस एन इक्वल्स टू एम ए। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, एन को उधर ले जाओ एम ए को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस एम ए इक्वल्स टू एन, यानी एन इक्वल्स टू कितना आ गया एम जी माइनस ए। अब इस कंडीशन में ध्यान से आप देखो, इस बार ट्रू वेट एम जी होता था, लेकिन अगर लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से नीचे मूव करती है तो उस कंडीशन में जो अपना एपरेंट वेट आएगा वो एक्चुअल वेट से कम आएगा। यानी ये हुआ कि अगर आप किसी लिफ्ट में हैं और लिफ्ट नीचे जाने लगे तो आपको हल्का फील होगा। ठीक, अच्छा इसका बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है, अगर आपने ध्यान रखो भी झूले वगैरह पर बैठे हो तो फील होता है, जब झूला ऊपर जा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झूले में जब अपन लोग ऊपर से नीचे जाते हैं पेट में क्रैम्प गुलगुली होने लगती है ना, वो गुलगुली बेसिकली इसी कारण से है क्योंकि अचानक से आपका वेट कैसा होने लगता है, कम होने लगता है, उससे क्या होगा पेट में थोड़ी सी गुलगुली सी हुई, आई थिंक आपने फील किया होगा। चलिए तो ये हो गया केस फोर कि जब एक्स कहां मूव कर रहा था, नीचे की तरफ मूव करेगा। अच्छा जल्दी से समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। अगर मान लीजिए हम लोग एक ऐसी लिफ्ट में है जो लिफ्ट रेस्ट कंडीशन में है,
तो अगर कोई लिफ्ट रेस्ट कंडीशन में है और कोई पर्सन इसके अंदर है तो उसका एपरेंट वेट किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एन इक्वल्स टू एम जी, यानी एपरेंट वेट और ट्रू वेट बराबर बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा यही सेकंड कंडीशन पड़ी कि अगर मान लो ये लिफ्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, अच्छा ये ऊपर भी मूव कर सकती है और नीचे भी मूव कर सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो उस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन यानी एपरेंट वेट ट्रू वेट के बराबर ही होगा। अच्छा फिर हमने सीखा कि अगर मान लो कोई लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रही है तो मैं फिर वेट ज्यादा फील होगा और वेट हो जाएगा एम जी प्लस ए। अच्छा कोई लिफ्ट अगर ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रही है तो उस कंडीशन में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आ जाएगी एम जी माइनस ए, यानी वेट थोड़ा कम फील होगा, यानी ऊपर गए तो थोड़ा भारी भारी सा फील होगा और लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो हल्का फील होगा। अच्छा आपने कहीं फील किया भी होगा, कभी आप लिफ्ट में आप खड़े हुए होंगे तो लगता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ऐसा लग रहा है पैरों पर वजन ज्यादा आ गया, और जब लिफ्ट नीचे जा रही होती है ऐसा लगता है हम थोड़ा हल्का फील करते हैं। अच्छा इसमें सबसे स्पेशल कंडीशन फ्री फॉल, भगवान न करे अगर मान लो ऐसा हो जाए कि इस कंडीशन में आप लिफ्ट में जा रहे हो और लिफ्ट टूट जाए, ऊपर का वो जो वायर है वो टूट जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, लिफ्ट बिल्कुल फ्रीली फॉल होगी, और जब कोई बॉडी फ्री फॉल होती है तो उस कंडीशन में ए इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, यही कंडीशन है, बस यहाँ पर ए किसके बराबर हो गया जी, और यहाँ पर अगर मैंने ए को जी के बराबर लगा दिया तो यहाँ पर कितना हो गया देखो जी माइनस जी यानी जीरो, यानी उस सिचुएशन में वेट जो फील होगा वो जीरो फील होगा। उस सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि अगर आपने अपनी जेब से पेन निकाल के ऐसे छोड़ दिया तो वहां पेन आपको ही रुका हुआ दिखाई देगा, आपको ऐसा फील होगा कि पेन का वेट ही नहीं है, वहीं का वहीं लटका हुआ है। अच्छा इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल से भी समझ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कभी क्वेश्चन आया कि एक पर्सन है जिसका मास कितना मान लेते हैं, एक पर्सन मान लेते हैं जिसका मास कितना मान लें अपन लोग फॉर एग्जाम्पल 40 kg है, और इसको क्या किया जाएगा, इसका मुझे एपरेंट वेट फाइंड करना है, कब फाइंड करना है, डिफरेंट कंडीशन में। तो यहाँ पर अगर मान लो 40 kg का एक पर्सन है और ये 40 kg का पर्सन एक लिफ्ट के अंदर है तो डिफरेंट कंडीशन में इसका वेट क्या फील होगा, जैसे अगर मान लो वही लिफ्ट रुकी हुई है तो ये जो 40 kg का पर्सन का जो ट्रू वेट है यानी जो एपरेंट वेट है वो बराबर फील होगा 4 × 10, मैं जी को 10 मान लेता हूँ, जी की वैल्यू मैं 10 मान लेता हूँ, तो कितना फील होगा उसको 400 N होगा। अच्छा वही अगर लिफ्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो इस पर्सन को अपना वेट कितना फील होगा, ये फील होगा फिर से 40 × 10 यानी कितना हो जाएगा 400 N फील होगा। लेकिन अगर यही 40 kg का पर्सन एक ऐसी लिफ्ट में है जो A=2 m/s² के एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है तो देखो उसको वेट कैसा फील होगा, एम लगाया 40, जी 10 और ए कितना आएगा 2, तो ये आ जाएगा 40 × 12 480। तो अब देखो वेट ज्यादा फील हुआ कि नहीं हुआ, कि वही लिफ्ट अगर ऊपर जा रही थी तो नॉर्मल जो 400 N फील हो रहा था वो कितना फील होगा 480। अच्छा मान लो ये यही पर्सन एक ऐसी लिफ्ट में है जो नीचे आ रही है 2 m/s² से, तो इस कंडीशन में इसको अपना एपरेंट वेट कितना फील होगा, 10 − 2 यानी 40 × 8 320 N। आप देख सकते हो कि इसको अपना एपरेंट वेट कैसा फील होगा, जो नॉर्मल 400 था वो फील कितना होगा 320 N। इस पूरे वीडियो में आपको अगर कुछ और बेटर लगा है, आपको ऐसा लगता है इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट के थ्रू मैं इस चैनल को और बेहतर बना पाऊंगा। थैंक यू।